ना भूल जाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू सिस्टम बाउंड गोल। कैलोरी मिति हमने खत्म कर दिया है। आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंसेस। बहुत ही छोटा टॉपिक है और हम इसको जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल वे में ऐसे लेते हैं कि सपोज दैट हमने देखा होगा रेल की पटरियों को जब जोड़ा जाता है तो बीच में छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। तो कोई मुझे बताएगा क्यों छोड़ा जाता है? बताओ गाइस क्यों छोड़ा जाता है? सर उसका एरिया की वजह से उसके एरिया की वजह से एक्सपेंड होता होगा सर, हीट की वजह से एक्सपेंड। गर्मी में तो एरिया एक्सपेंड करने के लिए छोड़ा जाता है वो गैप। हाँ बहुत सही बोला इसने कि जब भी जैसे क्या होता है ना, जब ट्रेन चलती है तो क्या होता है ना, फ्रिक्शन लगता है ना, फ्रिक्शन लगता है, या फिर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल की जो लेंथ है ना वो बढ़ती है, एक्सटेंड करती है। ये हमारे इंजीनियर्स को पता है, तो उन्हें पता है कि अगर हम छोड़ेंगे थोड़ा सा ना, तभी गर्मी के दिनों में या फिर जब टेम्परेचर किसी कारणवश बढ़ जाएगा तो इसको क्या करेगा, मतलब आगे तक एक्सपेंड करने में इसको आसानी होगी। अगर नहीं छोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, आप नहीं छोड़िएगा ना तो मुड़ जाएगा और दुर्घटना होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए गैप छोड़ा जाता है कि अगर ये मेटल, जैसे किसी भी मेटल को आप गर्म करिएगा या ये मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ती है। समझ में आया? हेलो। यस सर। यस सर। किसी भी मेटल को आप गर्म करिएगा तो उसकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसमें मसला ये है कि थर्मल एक्स, इसीलिए ट्रेन की पटरियों में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन की वजह से, मान लीजिए गाड़ी बहुत तेजी, फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, या हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या हो, थोड़ा सा एक्सपेंड भी करे ना तो इसी गैप में आके रुक जाए। ऐसा ना हो कि एक्सपेंड करे तो टेढ़ा हो जाए, इधर उधर निकल जाए। अगर ऐसा होगा तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आया? यस सर। तो इसी की, तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे कि कोई वायर है, मान लीजिए कोई वायर है, अगर हमने उसको टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। कोई सीट है, क्या है, कोई सीट है, रेक्टेंगुलर सीट, किसी भी टाइप का सीट है, सर्कुलर सीट है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके एरिया में कितना, इसका एरिया कितना बढ़ेगा, या फिर अगर कोई क्यूब है, मैं उसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसके वॉल्यूम में कितना डिफरेंस होगा, कितना चेंज होगा। बस हम इन्हीं सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चीज मेटल एक्सटेंड हो रहा है ना, गर्म करने पर मेटल क्या हो रहा है, मेटल में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेटल में एक्सपेंशन हो रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, थर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये समझ में आया? यस सर। तो हम आज बेसिकली यही पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ कितना बढ़ेगा, एरिया कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें कैलकुलेट करके निकाली गई हैं, हम बस फार्मूला देखेंगे और क्वेश्चन कैसे लगाना है इसका अप्रोच सीखेंगे, ठीक है। बाकी डेरिवेशन हमसे नहीं पूछा जाएगा, अगर आप क्लास 11th के होते तो मैं डेरिवेशन एक एक का अच्छे से बताता। ये मेरी बात कितने लोग को समझ में आई कि हम आज क्या करने वाले हैं? बहुत बेसिक बात, ठीक है सर। आइए। हाँ जी बताइए, बोलो 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 भाई, कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया, क्या क्या बोलना है सर? क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, कुछ कोई क्या कुछ पूछ रहा था क्या कोई? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो ये, हाँ जी अभिषेक भाई, पॉलिटेक्निक या 11th के लिए अगर AMU में भरना हो तो फिर उसके लिए कौन सा कोर्स आता है सर, 9th-10th का पूछा जाता है या 11th का पूछा जाता है उसमें? एक्चुअली कहने के लिए तो 9th-10th का होता है, पर कभी कभी एक दो क्वेश्चन 11th का भी दे देते हैं लोग, लेकिन उतना टफ नहीं होता है, इजी होता है, फार्मूला बेस्ड होता है। 9th-10th मान के चलिए आप, 9th-10th कह सकते हैं आप, 9th-10th। ओके ओके, क्या हुआ, कोई भर रहा है क्या? नहीं पूछ रहा था एक लड़का मेरे, नहीं 9th-10th का सिलेबस होता है, डिप्लोमा हमेशा 10th पे होता है और बीटेक 12th पे होता है।
तो आइए आज हम पहला एक्सपेंशन पढ़ते हैं, पहला एक्सपेंशन पढ़ते हैं लीनियर एक्सपेंशन। हम तीनों पढ़ेंगे, तीनों एक्सपेंशन एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहला हमारा टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन। कौन सा? लीनियर एक्सपेंशन मतलब आप क्या समझते हैं सर? लेंथ में होगा। लेंथ में? हाँ सर, लेंथ। जैसे मान लीजिए कोई एल लेंथ का रॉड है, कोई एल लेंथ का क्या है, रॉड है, एल लेंथ का एक रॉड था। आपने मान ली उस, आपने क्या करा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करा, ठीक है। जैसे व्हेन द रॉड इज हीटेड इट इंक्रीजेस बाय लेंथ डेल्टा। अगर एक रॉड था, मैंने उसको हीट करा, तो मान लिया इसका लेंथ कितना बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया। एल लेंथ का था, इस जो इंक्रीमेंट हुआ कितने का हुआ, डेल्टा एल का हुआ। तो हमें बेसिकली इस फार्मूले में यही निकालना है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना डेल्टा एल बढ़ेगा। समझ में आया? मैंने, ध्यान से सुनिएगा, एक रॉड था, मैंने उससे हीट किया, हीट करने से, हीट करा मतलब एम एस डेल्टा टी, नहीं? अरे भाई बताओ यार, रॉड को मैंने इतना हीट दिया, तो मैंने रॉड का टेम्परेचर क्या बढ़ाया, डेल्टा टी बढ़ा दिया। मैं रॉड को हीट देके उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया। डेल्टा टी बढ़ाने पर उसका लेंथ में मान लिया इंक्रीमेंट डेल्टा एल हो गया। तो हमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भाई? हेलो, डेल्टा एल। तो जो डेल्टा एल होगा उसका फार्मूला होता है अल्फा एल नॉट डी टी। क्या होता है अल्फा एल नॉट डी टी? एल नॉट क्या है, इनिशियल वाला लेंथ, और डेल्टा एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ। ये बात, ये फार्मूला सबको समझ में आ गई? यस सर। सर दोबारा बता दो, एक सेकंड। मैं क्या करा, ध्यान से सुनो, एक रॉड था, मैं कुछ अभी कर नहीं रहा हूं, मैंने एक रॉड लिया, उसमें टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी, मतलब कुछ हीट दिया होगा तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। तो अब डेल्टा टी टेम्परेचर देने की वजह से उसके लेंथ में चेंज डेल्टा एल हो गया। अब मुझे डेल्टा एल कैलकुलेट करना पड़ा, तो डेल्टा एल जब हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा तो डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी आया। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि अल्फा क्या होगा, तो अल्फा क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, डी टी को मैंने डेल्टा टी लिख दिया। अभी जो अल्फा है ना, अल्फा क्या होता है बताओ? हेलो, अल्फा क्या है? अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई? आ गई सर समझ में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सभी लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से। कितने कितने लोग हैं? सभी लोग हाँ बोलो एक बार यार, तेज से, थोड़ा एनर्जी मेरी बूस्ट करो। हाँ सर। यस सर। यस सर। गुड। एक इनिशियल लेंथ एल नॉट का एक रॉड था, तुमने बोला कि सर हम इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करके डेल्टा टी टेम्परेचर इसका बढ़ा दिए, तो इसका जो चेंज इन लेंथ हो गया ना, इनिशियल तो एल नॉट है ही, लेकिन अब चेंज इसकी कुछ लंबाई बढ़ गई। कितनी लंबाई बढ़ गई? डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई। अब मैं कहूं कि डेल्टा एल लंबाई निकालना है, तो तुम्हें पता है कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल लंबाई के, और डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितना टेम्परेचर दिया। तो हम फाइनली कह सकते हैं डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, एक कॉन्स्टेंट लगा दो, तो डेल्टा एल बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये बात समझ में आई? ये हमारा बेसिक फार्मूला है। और अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बताओ भाई, देखो जितना लंबा वायर रहेगा, टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी लंबाई उतनी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी। ये दो बात समझ में आई, फील हुआ? यस सर। ठीक है, यहां से अगर मुझसे पूछा जाए, देखो अल्फा के बारे में बहुत बार पूछा गया है, अल्फा बताइए अल्फा क्या है,
तो अल्फा है डेल्टा टी अपन, सो डेल्टा एल अपन एल नॉट डेल्टा टी, ऐसा कह सकता हूँ। अब मुझसे यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए अल्फा का डायमेंशन, और पूछा जाता है कि बताइए अल्फा की यूनिट, पहला क्वेश्चन जो सबसे बेसिक आता है, डिप्लोमा में तो कई बार आया हुआ है, बीटेक में तो नहीं देंगे हो, लेकिन चलो बताओ फिर भी। बोलो भाई डायमेंशन यूनिट भी निकालना सिखाऊं कशिश? यस सर। हाँ डायमेंशन और यूनिट बताओ। स्केल व यूनिट डिग्री सेल्सियस होगा ना, डिग्री सेल्सियस। हाँ यूनिट हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस नहीं पर डिग्री सेल्सियस, एल सेल कट गया पर डिग्री सेल्सियस यूनिट आया। डायमेंशन क्या होगा? स्केल वर्स या थीटा इनवर्स क्या? हाँ चलो थीटा इनवर्स, ये बात समझ में आई सबको? अबे बोलो यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो। यस सर यस सर। ठीक है, अब यहाँ से पहला फार्मूला तुम्हारा इजाद हो गया है, क्या डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल को लिख दीजिए एल माइनस एल नॉट, अरे फाइनल 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 माइनस इनिशियल यही है ना, एल क्या है फाइनल लेंथ है, फाइनल लेंथ है, और एल नॉट क्या इनिशियल लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल बराबर व्हाट एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट कॉमन कर लो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, आ गया ये अपना फार्मूला जो अपने को रटना है, क्या करना है अपने को रटना है, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं, मेरे बात से सहमत है कि बहुत सही सर ये हमको समझ में आ गया, आगे बताओ कितने लोग सहमत हैं? सर मैं सहमत हूँ, पर सर ये जो थर्ड लाइन में जो है एल इज इक्वल टू एल नॉट, फिर इसके आगे क्या लिख रहा है सर? एल नॉट प्लस एल नॉट, एल नॉट था एल नॉट को इधर भेजा, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, अब उसके बाद एल नॉट कॉमन कर लो, अरे मैं कहीं कहीं कैपिटल एल लिख दिया हूँ, तुम कैपिटल इस्तेमाल मतलब उसमें डिफरेंस मत समझो, मेरी गलती है मैंने सही से नहीं लिखा है। अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट होगा ना सर? हाँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी तो एक कांस्टेंट टर्म लगाया था दैट्स कॉल्ड अल्फा, ठीक है? यस सर। अरे जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया अल्फा लगा दिया। यस सर यस। अब ये फार्मूला अपने को याद रखना है, अपने ये फार्मूला क्या बता रहा है कि फाइनल लेंथ जो हो जाएगा एल क्या है फाइनल लेंथ है, नहीं है एल क्या है एल इज फाइनल लेंथ, एल नॉट इज व्हाट, व्हाट इज एल नॉट इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, एल क्या है कांस्टेंट कोफिशिएंट, हां कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेंपरेचर, बस हो गया। चलो अगर ये बात तुमको समझ में आ गई तो और क्वेश्चन करते हैं, इस पे डायरेक्ट में वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आ रहा है, ठीक है? रख दो फोन, देखो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, क्वेश्चन है सिंपल, एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, व्हाट इज द ऑफ 1 mm, सॉरी 1 meter आयरन, mm कह रहा हूँ, 1 meter आयरन रॉड इफ इट्स टेम्परेचर चेंज बाई 100 degrees Celsius,
अल्फा फॉर आयरन, अल्फा फॉर फाइव डिग्री सेल्सियस। चलो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो हाउ आई विल सॉल्व, कैफ देखो अभी कैफ आया नहीं, परसेंटेज के लिए एल माइनस एल नॉट अपॉन एल इनटू 100 यही तो करेंगे, डेल्टा एल बाय एल इनटू 100 करते हैं, वही करते हैं ना। हां सर, फाइनल माइनस इनिशियल, एल माइनस एल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, डेल्टा एल बाय एल इनटू 100 कर दो। सर 2% आ रहा है, 2% आ रहा है, 2% कितने लोग का आ रहा है 2%? कितने लोग का 2% आ रहा है, हाउ मच ऑफ यू आर सपोर्टिंग हिम। चलो मैं करता हूँ, डेल्टा एल का फॉर्मूला अपने अपन लोगों ने क्या पढ़ा बताओ सर, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट की वैल्यू कितनी है इनिशियल 1 मीटर, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁵, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, चेंज बाय 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री जी, व्हाट इज दिस, 0.2% आ रहा है। हां जी बहुत अच्छे, अब करिए डेल्टा एल बाय एल इनटू 100, डेल्टा एल क्या है 2 × 10⁻³ अपॉन इनिशियल कितना था 1 × 100 कर दो तो क्या हो जाएगा 0.2% आंसर। 2% कैसे आ रहा था भाई, कौन है आप, कौन दो पर पहले ही क्वेश्चन में करते हैं। अच्छा सर ये साइड में क्या किया आपने सर, ये 2 × 10⁻⁻ ये सर इसके बाद 2 × 10⁻⁻ परसेंटेज चेंज क्या लिखते हैं आप, परसेंटेज चेंज क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 चेंज अपन इनिशियल इनटू 100 यही होता है ना, डेल्टा एल अपन एल इनटू 100 परसेंटेज ऐसे लिखते हैं ना भाई, नहीं लिखते तो बताओ मैं अच्छे से बताऊंगा, परसेंटेज पे भी 2-4 मिनट बात कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। यस सर यस, यही तो डेल्टा एल क्या ये है, इनिशियल लेंथ कितना था इतना और 100 से मल्टीप्लाई कर दो खत्म, सही है, सही है, सही है, बहुत अच्छे। आज एक क्वेश्चन देता हूँ इस बार, तुम लोग सारे लोग कर देना भाई, वो मत करना कि मतलब गलती मत कर देना भाई। इरर पढ़ा है सबने, इरर पढ़ा है? यस सर। क्या सर? यस सर। एरर। हाँ एरर पढ़ा है किसी ने, मतलब सबने पढ़ा है? यूनिट एंड डायमेंशन में ना सर ये? हाँ यूनिट एंड डायमेंशन में।
देखो क्वेश्चन, ये चलो एरर जब पढ़ाऊंगा तभी इस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, लगेगा तो है नहीं, दो चार लोग लगाएंगे बाकी सब लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नोट करके दो चीज दिख देना, नोट करके हम जो फार्मूला लगा रहे थे ना, हम अगर फार्मूला लगा रहे थे एल बराबर एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक कब लगा रहे थे, एक कब लगा रहे थे, जब क्या हो ना तो एल वेरिएबल था और ना ही अल्फा वेरिएबल था, अगर एल भी कांस्टेंट है, इनिशियल लेंथ टेम्परेचर के साथ बदल नहीं रही है और अल्फा भी कांस्टेंट है तो ये फार्मूला आराम से लगेगा। लेकिन अगर वेरिएशन होने लगे, अगर वेरिएशन होने लगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। इफ अल्फा वेरीज विद डिस्टेंस, देखिए अल्फा दो तरीके से वेरी कर सकता है, या तो मान लीजिए डिस्टेंस के साथ ax + b के साथ वेरी करे, या फिर अल्फा टैन के साथ वेरी करे, सॉरी टेम्परेचर के साथ वेरी करे। अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है ft, अगर इन दोनों का फंक्शन है तो अगर इस टाइप से अगर डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा तो जो टोटल एक्सपेंशन होगा होगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डेल्टा टी डीएक्स, अल्फा डेल्टा टी डीएक्स, ठीक है। और अगर इस टाइम का फंक्शन होगा तो जो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी वो अल्फा एल नॉट डी टी आएगी। ये दो फॉर्मूला हमें याद रखने हैं, अगर कभी अल्फा वेरी करा दे तो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सर। अल्फा वेरी का मतलब क्या है सर? अल्फा मान लो फंक्शन दे दिया कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे ना तो अल्फा क्या है, ये तो कोफिशियंट है, लेकिन ये बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा। मान लो इसने दिया 2t + 3t स्क्वायर, एक फंक्शन दे दिया अल्फा, इसके अकॉर्डिंग जो कि जे एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, जे में आया हुआ है, एमयू में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये दे दिया और बोलेगा कि आप बताइए इनिशियल लेंथ उसने दे दिया कि इनिशियल लेंथ 1 मीटर थी, आप बताइए कि अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री चेंज करते हैं, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री पे वो था और अगर हमने फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया तो बताइए कि टोटल लंबाई क्या हो जाएगी रॉड की। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो यार, आ जाओ एक रॉड था 1 मीटर का, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ये रूम में, एक रॉड था 1 मीटर का जिसका इनिशियल टेम्परेचर था 0, हमने टेम्परेचर बढ़ा के टेम्परेचर कर दिया फाइनल 100 और मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो अल्फा है ना वो 2t + 3 है, ऐसे नहीं है कि अल्फा मतलब वेरी नहीं कर रहा है, इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अल्फा वेरी कर रहा है, तो तुम मुझे बताओ फाइनल लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा, तो कैसे बताओगे? तो जो वेरिएबल वाला फॉर्मूला बताया, हाँ सिंपल हम डेल्टा एल बराबर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कौन सा अल्फा एल नॉट डी टी, अल्फा एल नॉट डी टी खत्म। देखो एक टी का फंक्शन है ना, टी का फंक्शन है, एल नॉट तो निकाल लो 1 मीटर था, अल्फा क्या है पहले इस अल्फा का भी 10^-5 निकाल लो, सिर्फ यही है 2t + 3 डी टी और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 100 तक इंटीग्रेट कर दो, आंसर बस 10^-5। अब 2 का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा, है ना, और 0 से लेके 10^100 तक, बस इसको इंटीग्रेट, इसके इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके देखो क्या आ रहा आंसर, समझ में आ गया? यस सर। बस तो अगर कभी इसको कहते हैं लोग अच्छा प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला जिसको याद है वो राजा है, जिसको फार्मूला याद है वो किंग है, उसे एक स्लाइड दिखा दीजिए पिछली, कितना भी अच्छा क्वेश्चन बने जिसको फार्मूला याद है वो कर लेगा थर्मोडायनेमिक्स में खासकर, देख लो अगली वाली दिखाना, बस बस सर हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर लेते हैं जो थर्मल में आता है। देखो थर्मल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, भाई करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ उसी के आगे का बात, भाई करंट तुम लोग कर रहे हो ना सर, हाँ अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन देखा,
अब हम देखेंगे उसी में आगे कि थर्मल स्ट्रेन ऑफ मटेरियल क्या होगा। भाई करंट साथ साथ तुम लोग कर रहे हो ना यार, पीछे तो नहीं छूट रहे हो ना? नो सर, सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके कोई नहीं, वो तो मैं डाउट सेशन लूंगा ही। कितने लोग हैं? चार हैं। कल भी लाइव क्लास लूं मैं केसीएल केबीएल का, तुम लोग का भी, मतलब प्राइम बैच के साथ ही लूं। कितने लोग? चार हैं। यस ये तो बताओ जितने लोग चार है ना, जितने लोग चार है वो होमवर्क मुझे करके भेजेंगे। अगर होमवर्क आया अच्छे खासे बच्चों का तब तो करूंगा, नहीं तो तुम लोग यूट्यूब से देखना। ठीक है, तो होमवर्क करके आज तुम लोग भेजना जरूर, मैं सुबह डिसाइड करूंगा। पहले हेलो जो सर। हाँ भाई बोलो। मैंने सोचा सर अभी कुछ ग्लिच हुआ था ना आवाज का। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने लोग है ना जनरल बैच में उनको सबको भेजना है होमवर्क करके भेजना। ठीक है, और तीन लेक्चर इससे पहले लिया हूँ वो आसान है। टेलीग्राम पे डाल दिया था आपने सर होमवर्क? नहीं मैंने नहीं डाला, मैंने तुम लोग को बोला था। मैंने ना स्लाइड अपलोड कर दी है जो जिसमें होमवर्क लिखा था ना, जो नोट्स था जिसपे पढ़ा रहा था, वो सारी स्लाइड जो है अपलोड कर दी है। तो वहां से भी आप लास्ट में जाके होमवर्क चेक कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हें से कोई होमवर्क डाल दो यार टेलीग्राम पे, सारे लोग देख के जल्दी जल्दी करके भेजो आज। चलो थर्मल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। अभी हमने एक चीज देखा, देखो स्ट्रेन जो है, देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है थर्मल सॉरी मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ये हम पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी जो स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं ना, स्ट्रेन तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा स्ट्रेन बताओ? लीनियर। लीनियर फिर सुपरफिशियल। क्या देखो कितने तरीके का होता है, एक डेल्टा एल बाई एल लीनियर हो गया, एक एरिया में अगर चेंज हो गया डेल्टा एल बाई एल, और एक लेटरल सर होता है वॉल्यूमेट, वॉल्यूम वाला सर, वॉल्यूमेट वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन ये होता फाइव, यही होता है ना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हां इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, सही बोला। ठीक है, ये सब चीज तो हम देखेंगे। नहीं इसको लेटरल बोलते हैं, एरिया और रेडियस, रेडियस वाले को बोलते हैं। हाँ अगर एरिया मतलब इस सीट के बजाय हो जाए, क्या हो जाए सिलेंड्रिकल हो जाए, तो जो रेडियस वाला होता है उसको हम बोलते हैं, सही बात है। लीनियर तो हम यहाँ पे हम अभी लीनियर की बात कर रहे हैं ना कि लीनियर में कितना चेंज हुआ, तो अभी हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा इसका वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल एल होता है मतलब एल नॉट चेंज अपॉन इनिशियल। अब इसकी वैल्यू थोड़ा निकाल के मुझे बताना, अभी तुमने देखा डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बराबर होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है, पिछले स्लाइड में अभी देखा तुमने, यहीं से सारा फार्मूला निकल के आया था ये सब, मतलब हमने जो निकाला यहीं से निकाला। मुझे क्या चाहिए डेल्टा एल अपॉन एल चाहिए, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको स्ट्रेन कहेंगे ना, स्ट्रेन यही तो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होता है अल्फा डेल्टा टी का या अल्फा डेल्टा टी। सर 2 mm हो जाएगा, 2 mm सर। वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी, वो तो डिपेंड करता है, अगर एंगल पता हो तो फाई, हाँ डेल्टा वी वाई वाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हम पढ़ेंगे इसको, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, बस मैं तुम्हें स्ट्रेन बता रहा था। स्ट्रेन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विकृति, मतलब आप कितना चेंज हुआ, फाइनल कितना चेंज हुआ और जब शुरू में था तो आपका आपके पास कितना था। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में कितना चेंज हुआ और इनिशियल लेंथ कितना था, इसका रेशियो जो होता है वो स्ट्रेन होता है। समझ में आया? तो स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल अपॉन एल सॉरी अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूँ स्ट्रेन की वैल्यू। यस सर। चलो भाई आओ थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन करते हैं। Thank you.
रॉड इज क्लैंप्ड, ऐसा पहले इस एग्जांपल को समझो थोड़ा सा, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी, आज मैं चाह रहा हूँ कि इसको खत्म कर दूँ, आज नहीं खत्म होगा तो कल तक खत्म कर दूंगा, फिर जितना जल्दी खत्म हो जाएगा एक बोझ उतरता है। सबसे ज्यादा टाइम पता है तुम लोग को क्या पढ़ाने में लगेगा मुझे यार, मैकेनिक्स पढ़ाने में, इलेवेंथ में जो सबसे टफ चीज लगता है बच्चों को वो है मैकेनिक्स। यस सर, देखो रॉड में इतना ही है नहीं भाई, कम से कम चार यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट है बताओ, पहला केटीजी है और थर्मो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, उसके बाद क्या है केटीजी और थर्मो के बाद क्या है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, अरे वो तो उसके बाद कैलोरीमेट्री आता है, मेट्री आता है और थर्मल एक्सपेंशन आता है जो हम पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, तो ये यूनिट तो यही निपट जाएगी, और इसके बाद एक और यूनिट आएगा हीट ट्रांसफर, बस ये पूरे पांच हीट ट्रांसफर से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं सर इन पांचों को टॉपिकों से, 10 क्वेश्चन? अगर मैं जेई मेंस की बात करूं, जेई मेंस की तो 25 30 में से हम लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलते थे पांच टॉपिक का, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा था। 15 क्वेश्चन अगर कर ले रहा हूँ फिजिक्स में, 15 से 20 क्वेश्चन, तो तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर हो जाता है, ये तो मान लो 3 से 4 क्वेश्चन इसी से आ जाते थे, इसमें तो आराम से आ जाते हैं। केजी और थर्मो मिला के देखना, तुम्हें 4 क्वेश्चन एमयू में मिलेगा, पक्का मिलेगा, एक क्वेश्चन इससे मिलेगा और एक क्वेश्चन इससे मिलेगा, हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, मतलब टोटल 8 से 9 क्वेश्चन कह सकते हैं इस यूनिट से आ जाएगा सिर्फ हीट के यूनिट से, ठीक है। और करंट से तुम्हें अकेले 4 क्वेश्चन मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, करंट देखना तुम, करंट से अकेले 4 क्वेश्चन नहीं मिला तो बोलना कि सर आप क्या कह रहे थे, क्योंकि जेई मेंस में जब 3 क्वेश्चन मिल सकता है करंट से, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन, तो मसला ही अलग है यार सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भाई, क्लास 12 हाँ चल रहा है, पैरेलल ही चल रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो शायद, सर दे रहा हूँ सर, ठीक है। अब देखो, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट व्हिच इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड एंड, ठीक है, सेपरेटेड टू डिस्टेंस एल नॉट, मतलब यहाँ पे ना एक क्या कर दिया गया, यहाँ पे ना एक क्लैंप से फिक्स्ड कर दिया गया दो रिजिड एंड पे, ठीक है। नाउ इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीजेस बाय डेल्टा एल, ध्यान से सुनना, अब तुमने क्या किया है फिक्स कर दिया है, अब इसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, तुमने फिक्स कर दिया ना भाई तो एक्सपेंशन नहीं होगा ना, तो बोल रहा है कि तुमने फिक्स कर दिया है लेकिन तुम अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते और ये फ्री होता तो एक्सपेंशन होता, लेकिन यहाँ तुमने तो क्या कर रखा है, इसको फ्री नहीं करके रखा है, इसको फिक्स करके रखा है, तो एक्सपेंशन में दिक्कत होगा, है ना, तो वहां पे स्ट्रेन पैदा होगा, तो जो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा उसका कैलकुलेशन पूछता है कि बताइए कितना स्ट्रेन पैदा हो रहा है, तो जो इस बताइए स्ट्रेस पैदा होगा ना, स्ट्रेस भी होगा और स्ट्रेन भी होगा, बिल्कुल स्ट्रेस भी होगा और स्ट्रेन भी होगा, दोनों होगा, तो जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर, माइनस नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर, नेचुरल लेंथ, अपॉन में क्या नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर, दिख रहा है छोटा लिख दे रहा हूं ना ज्यादा, तो क्या होगा इस स्ट्रेन की वैल्यू सर, पीछे करना सर, एक मिनट, हाँ
हम इसी फार्मूले से निकालेंगे और स्ट्रेन की वैल्यू हम देख लेते हैं। अरे एक मिनट, नोट कर लो कर लो। सर ये टी टी है ना सर ये? हाँ हाँ, एट न्यू टेम्परेचर। सर नेचुरल आगे क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर, और नीचे भी वही है सर सेम। हाँ वही वाला डेल्टा एल अपॉन एल। हाँ सर ये क्यू क्यू किस लिए सर, एक बार बताएं। हमने क्यू मतलब टेम्परेचर यार, लो टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर बढ़ाया। क्या करा हमने? टेम्परेचर बढ़ाया। अब अपन लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसको एक चाहेगा फैलना, ये क्या चाहेगा? फैलना। लेकिन इसको फैलने देगा क्या? नहीं देगा, कंप्रेस कर देगा। अब कंप्रेस की वजह से इसमें विकृति आ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो उस स्ट्रेन को हमें कैलकुलेट करना है। उस स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देख लेते हैं। हो गया सर। तो चलो स्ट्रेन को कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे एल नॉट माइनस एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा होना था। और एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेन जो हो जाएगा, एल नॉट को इधर मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, दो बार करोगे ना, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, कटेगा, देखो कट रहा है कि नहीं। एल नॉट माइनस एल नॉट माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये कट गया। ये क्या हो गया? माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपान में क्या हो गया? एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट से एल नॉट कट गया। और देखो पता है जो अल्फा डेल्टा टी होता है हमेशा लेस 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 देन वन होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो वन के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है तो इसको नेगलेक्ट कर दो। तो ये हो गया स्ट्रेन, हो गया अल्फा डेल्टा टी माइनस में। अब माइनस में क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस में इसलिए आ रहा है कि इस पे कंप्रेशन लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है? कंप्रेशन लग रहा है, इसलिए इसमें जो स्ट्रेन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, कंप्रेस हो रही है। तो स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी अल्फा, ये समझ में आया भाई लोग? सर पहले तो आपने सर पॉजिटिव बताई थी अल्फा डेल्टा टी, कहाँ पे? अरे मैं नहीं, ये स्ट्रेन देखिए इसके रिस्पेक्ट इसकी इसमें क्या हो रहा है ना, एक कंप्रेशन की वजह से जितनी देखो ये क्या है ना, इतनी हाइट इसकी बढ़नी थी, लेकिन इसमें क्या लगा? मैंने इसके इस जो दो स्तंभ हैं इनके वजह से निकाला कि स्ट्रेन कितना आ रहा है। कहां पे बताया था अल्फा डेल्टा टी पॉजिटिव? ये जो हमने स्ट्रेन बताया था ये तो फ्री एक्सपेंशन में स्ट्रेन था, ये कंप्रेशन का स्ट्रेन नहीं था, एक्सपेंशन का स्ट्रेन था। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है? एक्सपेंशन होना नहीं है, कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे ये दबा रहा है, दबा रहा है, एक्सप्रेस क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। देखो तो सर हर एक कंप्रेशन के केस में सर ये जो कंप्रेशन मतलब नेगेटिव, हाँ कंप्रेशन मतलब स्ट्रेन क्या है? नेगेटिव, हाँ। और एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? ठीक है, आ गया समझ में? आ गया सर। हाँ तो ये देख लेना, कंप्रेशन की बात चल रही है, किसकी क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंशन की बात चल रही है। बात समझ में आया? हेलो भाई। यस यस सर, यस सर। ये जो उसके बाद जो उसके बाद का एक और क्वेश्चन, एक और इस पे जो बनता है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो कि बनता है, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। सबने, अब मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे होता है। पेंडुलम क्लॉक देखा है सबने? ऐसा ही होता था ना पेंडुलम क्लॉक, ऐसा कुछ होता था, अरे यही घूमता रहता था, ऐसा ही घूमता था ना पेंडुलम क्लॉक। हाँ तो थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि जो पेंडुलम क्लॉक होता है, जो पेंडुलम होता है उसका पहले टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, देखो एक कैसा SHM कर रहा है ना, SHM कर रहा है, देखो
ऐसे से मतलब क्या हो रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है आ रहा है, दोलन गति ऐसे से नहीं कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस सर। ऐसे से अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे से कर रहा है, और देखो ये बार बार एक ही उसको फॉलो कर रहा है, एक बार जा रहा होगा आ रहा होगा, तो देखो एक बार यहाँ से जाके यहाँ फिर यहाँ से जहाँ जाके यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं टाइम पीरियड, क्या कहते हैं, पढ़े होगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक एक चक्कर लगाने में एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, वन ऑसिलेशन, हाँ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है टाइम पीरियड होता है। तो तुम भी देखो ये क्या कर रहा है, एक बार यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो लगा टाइम उसको कह देंगे टाइम पीरियड। और इसके लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फार्मूला आता है 2π√L/g। तो आज से क्या याद रखोगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है 2π√L/g। देखो ना यार सर, एल लेंथ ऑफ पेंडुलम है, हाँ पेंडुलम है, एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, नहीं यूनिवर्सल ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कांस्टेंट, हाँ यूनिवर्सल तो कैपिटल जी होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, कांस्टेंट नहीं होता है सर, m अपॉन k कब आता है अंडर रूट के अंदर, अरे वो तो SSM में आएगा, SSM में वो खासकर हम स्प्रिंग वाले में देखते हैं, वो तो हर जगह लगता है। ओके सर, SSM में पढ़ेंगे, स्प्रिंग वाले में लगाते हैं वो, ठीक है वहीं से मैं डिराइव करके तुम्हें बताऊंगा कि देखो सर, इसके लिए फार्मूला होगा, उसके लिए फार्मूला होगा, इसके लिए फार्मूला होगा, वहीं से मैं डिराइव करके सब दिखा दूंगा। अभी के लिए बस याद रखो, अभी SSM पढ़ाया नहीं है तो मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहा, अभी के लिए क्या याद रखोगे बताओ, क्या याद रखोगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसी पे क्वेश्चन बनता है। देखो इसका क्वेश्चन दो जगह देखने को मिलता है, एक तो ग्रेविटी पे बोलेगा ग्रेविटी चेंज हो गई, यहाँ पे है पोल पे चले गए ग्रेविटी चेंज हो गई, तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये वाली बातें होती है। और दूसरा पता है कहाँ पे बात होता है, एक यहाँ पे होता है, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ चेंज हो गया ना, लेंथ चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो तुम्हारे पेंडुलम का क्या हो गया, लेंथ ही बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो फिर टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। देखो यार अबे टी अंडर रूट प्रोपोर्शनल टू एल है, अब तुम क्या करे, तुमने क्या करा, लेंथ बढ़ाया, लेंथ क्या करा बढ़ाया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब तुम्हारे पेंडुलम को एक चक्कर लगाने में क्या लग रहा है, एक चक्कर लगाने में क्या लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो तो तुम ये बताओ तुम्हारी घड़ी सुस्त हो गई या तेज हो गई, घड़ी तो इरर देने लगी ना, अरे भाई घड़ी इरर देने लगी ना, तो ये बताओ तुम्हारी घड़ी सुस्त हो गई या फास्ट हो गई, सुस्त है। बता मेरे भाई, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, ज्यादा टाइम में अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, तो ये घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई, हाँ स्लो हो गई, सुस्त हो गई, नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन कई बार तुम लोगों ने देखा होगा यार सर, अंडर रूट लग रहा है तो थोड़ा सा चेंज आएगा ना, आए लेकिन आएगा ना, घड़ी सुस्त हुई ना, हाँ सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बस हमें यही, अब ऐसा थोड़ी ना कि एक घंटा डिले बताएगी घड़ी, एक दो मिनट ही बताएगी, लेकिन बताएगी एक सेकंड, दस सेकंड भी बताएगी पर बताएगी ना, तुम्हारी घड़ी तो हुई, लूज टाइम हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में घड़ियां क्या हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है, इसीलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या हुआ, मतलब थीटा हाई होने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड हाई हो जाना, टाइम पीरियड हाई हो जाने का मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में तुम्हारे घड़ी की सुई को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम्हारी घड़ी सुस्त हो गई, अगर यही कहा जाए ठंडी के दिनों में। हाँ बोलो सर, मोबाइल में तो ठीक दिखाता है ना, हाँ मोबाइल में ठीक दिखाता है भाई
और सर सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी अब बहुत कम है लोगों के घर। अब हाँ अब कम है, अब कम है, पहले बहुत, पहले यही हुआ करती थी। विंटर में क्या होता है, विंटर में टेम्परेचर घट जाता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो तुम्हारी घड़ी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये नहीं सुना क्या बचपन में तुम लोग ऑब्जेक्टिव में, तुम लोग एक्चुअली कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह नहीं करते हो ना, जो पीसीएस वगैरह लेखपाल वगैरह की तैयारी करते हैं ना, इन सब चीजों को रटते हैं। सच बता रहा हूँ भाई, मेरे मामा लेखपाल हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वो इन सब चीजों को बैठ के रट रहे हैं। अब वो साइंस, साइंस से तो है नहीं, उन्होंने कभी साइंस मतलब पढ़ा होगा ट्वेल्थ वगैरह तक, मुझे नहीं पता कहाँ तक पढ़ा, लेकिन उनको रीजन नहीं पता है क्यों हो गई, लेकिन उनको ये पता है कि ठंडी में घड़ी क्या होगी, फास्ट होगी, और समर में घड़ी स्लो होगी। हम जो फिजिक्स में चीजें पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में। और बताए इन सब एग्जाम्स में, छोटे मोटे एग्जाम्स में ये लोग ये पूछते हैं डायरेक्ट, मतलब उसका कंक्लूजन पूछते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। अरे बताओ भाई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, आ गया ना सर। तो अब हमने हमने ये फार्मूला देखा, टी बराबर क्या होगा, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एल बाई जी, एल क्या, एल नॉट है। अब एल नॉट अगर टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाएंगा, अगर अपन टेम्परेचर अपन लोग बढ़ाएंगा, मान लो टेम्परेचर मैंने बढ़ा के कुछ टेम्परेचर मैंने टी बढ़ा दिया, डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब देखो ना, मैं टाइम पीरियड को कैपिटल टी से और टेम्परेचर को स्मॉल टी से ले रहा हूँ, मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी का, तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड तुम्हारा हो जाएगा टू पाई। अब एल कितना हो गया, एल हो गया एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो अब तो एल बदल गया ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ तो बढ़ गई तुम्हारी घड़ी की। अरे भाई बोल दे यार कुछ, अगर सर टेम्परेचर घटाया जाएगा तो, हाँ तो हो जाएगा एल नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी निगेटिव आएगा ना, फिर तो निगेटिव हो जाएगा। ये बताओ, अरे बोलो सर। यस सर, सारे लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं यार, इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं। अब देखो, अब ये बात तो तुमको समझ में आ गई कि सर ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा सा ये करना, थोड़ा सा इसमें मेहनत करो। टी डैश इज इक्वल टू अपन लोग क्या लिख लें, टी डैश, इन दोनों को थोड़ा डिवाइड करके देख लो, टी डैश अपन टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिवाइड करोगे तो टू पाई कट जाएगा, कट जाएगा ना, क्या बचेगा फाइनली, अंडर रूट में बचेगा, इधर एल नॉट बचेगा, जी से जी कट जाएगा, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बचेगा, और नीचे एल नॉट बचेगा, एल नॉट से एल नॉट भी कट, टी डैश अपॉन टी जो होगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर वन बाई टू होगा। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत हैं मेरे भाई? मैं सहमत हूँ। बहुत बार अब तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा बाइनोमियल में, वन प्लस एक्स के पावर एन हो, और अगर एक्स जो है क्या हो, बहुत 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 छोटा वन हो, तो इसकी वैल्यू वन प्लस एन एक्स हो जाती है, ऐसा कुछ पढ़ा? देखो वन प्लस एन एक्स का एक्सपेंशन भी देखो ना, वन प्लस एन एक्स का एक्सपेंशन होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एन एन माइनस वन एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थी, ठीक है, और यही रहता ही है। तो देखो एक्स तो ऑलरेडी छोटा है, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, क्यूब और भी छोटा होगा, तो ये सारी चीजें नेगलेक्ट हो जाती हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नेगलेक्ट हो जाती हैं, सिर्फ ये बचता है, ये समझ में आया? तो यहाँ पे हमें पता है वन प्लस अल्फा डेल्टा की बहुत छोटा है वन सर। हाँ बताइए सर, वो इस स्लाइड पे सर पहला फॉर्मूला लिख रहा है टी इक्वल टू टू पाई एल नॉट अपॉन जी अंडर रूट में, तो वहाँ एल ही आएगा ना केवल, एल नॉट क्या आएगा, एल नॉट मतलब हमने घड़ी की इनिशियल टेम्परेचर पे जब हमने घड़ी का टाइम पीरियड मापा तो उस टाइम पे ओरिजिनल लेंथ था, बाद में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर घड़ी का डेल्टा टी बढ़ाया, तो उस टाइम पे लेंथ ओरिजिनल से बढ़ के कुछ और हो गया होगा। तो मैंने दो इक्वेशन बनाए, हमने दो इक्वेशन बनाए, दोनों को डिवाइड किया, एल नॉट लग गया। अरे ना ना ना, हमने दो इक्वेशन बनाए और दोनों को मैंने सॉल्व करा, हमको ये निकालना कि कितना घड़ी के टाइम में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, टी डैश अपॉन टी वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई टू,
ये लिख सकता हूँ, बोल दो। यस, तो बस तुमने बहुत कुछ कर लिया इसमें। टी डैश अपॉन टी माइनस वन इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, ऐसा कर सकता हूँ। अब मैं टी डैश माइनस टी अपॉन टी कर लेता हूँ, हाफ अल्फा डेल्टा टी कर लेता हूँ, बस खत्म। अब इसको मैं क्या कहूंगा, टी डैश माइनस टी मतलब बाद वाला टाइम पीरियड माइनस इनिशियल वाला टाइम पीरियड, बाद वाला टाइम पीरियड माइनस इनिशियल वाला टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन टाइम पीरियड। बोलो भाई, इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी अपॉन टी बराबर। सर ये समझाना सर, ऊपर से आपने सर ये टी डैश अपॉन टी था वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का हाफ, सर ये क्या करा सर आपने यहाँ से? मैंने इसको यहाँ कर दिया बस, इसको इधर लेके आया तो निगेटिव हो गया और हाफ अल्फा डेल्टा थीटा है ही, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा है ही, मैंने इसको इधर कर दिया। सर दिखाना वो पीछे वाला स्लाइड दिखाना सर, देखो देखो कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, अभी इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो उड़ जाएंगे तुम्हारे, आसान से सो, वैसे तो ये बहुत आसान होता है और आता भी है बहुत। करना है नहीं आया क्या, बोलो ना भाई। सर आगे करो सर। आ गया? यस आ गया, तो फिर बहुत सिंपल हो गया। आ गया आ गया आ गया, मैंने डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा रखा, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा रखा, तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड बराबर हाफ डेल्टा, हाफ डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ। चेंज इन टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसा लिख लो डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा टी इंटू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हमें इसी फार्मूले को याद रखना है बस। परसेंटेज इधर जो आएगा, परसेंटेज इधर जो आएगा घड़ी में, जो परसेंटेज इधर आएगा तो उसके टाइम पीरियड में वो आएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू हंड्रेड बराबर हाफ अल्फा डेल्टा टीटा इंटू हंड्रेड, बस हमको परसेंटेज इधर घड़ी का यहीं से निकालना है और कुछ नहीं, घड़ी के टाइम पीरियड का परसेंटेज इधर यहीं से निकालना है। हमने फार्मूला ही डराइव कर दिया, नहीं आ रहा है तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं जैसे हमने करा है। बस ये बताओ इतना सबको आ गया, क्लियर है? यस सर। नहीं नहीं क्लियर हो तो बताओ, आओ एक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। अब पेंडुलम क्लॉक सबने नोट कर लिया ना उसको? सर थोड़ा सा रह गया था बस नीचे का सर, चलो नोट कर लो, नोट कर लो तब तक मैं भी क्वेश्चन निकाल दूं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। सर जो येलो वाला करो सर, ऑरेंज वाला जो था सबसे लास्ट स्लाइड सर, इससे पीछे वाली, ये ना हो गया क्वेश्चन लिखो सभी लोग, मैं बोल दे रहा हूं। अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट A pendulum clock consists of an iron rod connected to a small heavy ball हो गया सर। बोलो भाई, इफ इट इज डिजाइन टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ इट डिजाइन टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस
देन हाउ फास्ट आया हुआ क्वेश्चन है भाई, then how fast or slow it will go in 24 hours at 40 degree Celsius. अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10^-6 पर डिग्री सेल्सियस. अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-6 पर डिग्री सेल्सियस. सर अल्फा की वैल्यू कितनी है सर? 1.2. अब 1.2 इंटू 10^-6. और सर दूसरी वैल्यू कौन सी बोली आपने? कहाँ दूसरी वैल्यू बोला हूँ, बस अल्फा की वैल्यू बोली थी क्या सर? अच्छा ओके. हाँ बस पर डिग्री सेल्सियस. भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से करना, गलत मत करना. किसी को नहीं समझ में आया पूछ लेना, लेकिन गलत मत करना. मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा. सर टाइम को तो सेकंड में लेंगे ना क्वेश्चन में टाइम? हाँ भाई हाँ. ओके सर. मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, है तुम लोग मुझको गलती मत करना प्लीज. सर 1.04 सेकंड. देखते हैं. करेक्ट है भाई. सर सिंपल डेल्टा टी निकालना है इसमें. हेलो सर.
हेलो। हेलो सर, हेलो अभिषेक, हाँ भैया, हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? मैं सोचा मेरा आपकी आ नेटवर्क रही चला गया, सर सर का ही है चला भाई, गया। आपकी आ रही है। हाँ सर, वही नेटवर्क चला रही है। आप कुछ चलाते हो क्या? सोशल मीडिया पे हो आप? हाँ हूँ, सब पे हूँ, सब पे, ट्विटर वगैरह सब पर, इंस्टाग्राम पे हो? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह सब पर। इंस्टाग्राम पे नहीं हो ना? क्या इंस्टाग्राम पे हो आप? हूँ? टेलीग्राम पे हो क्या तुम? हेलो, हेलो अभिषेक, हेलो, किसी को आवाज आ रही है यार मेरी? नेट चला गया था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड मी पॉसिबल। हेलो, यस सर, आ तो रही है सर। बाकी लोग चले गए क्या? बस 6 लोग हैं, रिजवान है, कशिश है, अरुण है, अभिषेक है, और दोनों अभिषेक हैं, मैंने शफीक सुना है। सर मेरा नेट चला गया, मैंने आपसे कुछ पूछ रहा था ना तब। अरे नहीं, मेरा नेट चला गया था, मुझे लगा था कि मेरा नेट है बट चला गया था। चलो कोई बात नहीं, हमने क्या नहीं कहा, हमने क्या देखा? अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं? सही बोला भाई ने, भाई ने सही बोला। हेलो सर, दोबारा चला गया क्या नेट? लग रहा है ऐसा ही कुछ। अरे सफीक भाई, कहाँ थे? अरे आए क्यों नहीं क्लास हाँ में? बताओ। आए क्यों नहीं? 2:50 के बाद ये स्टार्ट हुआ तब। नहीं था, मैं 10 मिनट आया था, 10-15 मिनट। तो तब से हुआ आप क्लास में? हाँ मैं शुरू से हूँ।
10 मिनट बाद देखा, मैंने देखा नहीं इधर, मतलब तुम्हारा नाम दिखाई नहीं रहा इधर, अब दिखाया स्टार्ट लीनियर स्ट्रेनियस वगैरह मैं था। अच्छा अच्छा आवाज तो आई थी बीच में। हाँ यार ये सब पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने, लेकिन सब सब भूल गया। पॉलिटेक्निक में तो ये जोर देके पढ़ाया जाता होगा है ना, मतलब मेन टॉपिक बताकर। अरे पढ़ाते कुछ नहीं, बस नोट्स दे देते हैं वो लोग, पढ़ना कुछ नहीं पड़ता। मैंने यार ये सब बहुत अच्छे से तैयार किया था, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बीटेक के, लेकिन क्या था यार गलती है। सब गए क्या? हाँ मैं हूँ तो बताओ। अरे धीरे धीरे सब जा रहे हैं, आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, सर आएंगे भी फिर चले जाएंगे। अच्छा कहाँ से हो? यूपी से। भाई आपकी आईडी किस नाम से है? मैं यूपी से, डिवाई से। नहीं यूपी डिवाई से आप? इसमें क्या है, हमें क्या निकालनी थी, घड़ी अपनी कितनी स्लो या कितनी फास्ट हो रही है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो घड़ी का एरर होता है उसका फार्मूला डेल्टा टी बराबर, मतलब टाइम पीरियड में जो एरर होता है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी होता है। तो हमको कितने टाइम के लिए एरर निकालना है, 24 घंटे में एरर निकालना है, तो 24 घंटे में एरर है, हाफ अल्फा की वैल्यू है, और कितना टेम्परेचर बढ़ा, सॉरी 20 का बढ़ा, 40 माइनस 20 तो आएगा 0.04 सेकेंड। अब देखो तुमने निकाल दो, अरे मैं कर रहा था, तुम पता कैसे नेट खत्म हो गया था, मतलब मैं बाहर हो गया था और मैं बाहर होके कर रहा था, फिर सोचा कि बोल क्यों नहीं रहा सब, फिर देखा कि अरे यार नेट वो हो गया है। चलो मैं अभी सोचा सर आपने कब कर दिया ये क्वेश्चन, आप तो वो नहीं, बता रहे थे उस वक्त। मैं ना तब से कर रहा था, तब से बोल रहा था, फिर मैं देखा तो अरे यार नेटवर्क की वजह से हो गया होगा। हाँ ये सेकंड में आया, इतना सेकंड का एरर हुआ। अब आंसर में बोलेगा ना, आंसर में दोनों ऑप्शन होगा, बोलेगा इतनी फास्ट हो गई और इतनी स्लो हो गई। तो अब तुम बताओ ये फास्ट हुई है घड़ी या स्लो हुई है? सर फास्ट हुई है। स्लो 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 फास्ट हुई है। कितने लोग फास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? सर स्लो ही तो हुई है। नहीं अपना अपना बात बताओ, देखो कि नहीं कितना फास्ट हुई स्लो हुई है तुम बताओ। चेंज जब इतना ज्यादा इतना आ रहा तो फिर फास्ट होती है। ये फास्ट हुई है, बहुत अच्छा। कितने लोग फास्ट की तरफ हैं? अबे बोलो यार, कहां गए कोई है नहीं क्या? हेलो सर। हां हां अरुण भाई बताइए, ऐसे दिल, मतलब मन मन से मत बोल दो कि मन में आया दिल पे आया बोल दिए, तभी सोच के बोलो सर, दो सेकंड दीजिए बस। लॉजिकल, हाँ लॉजिकल बताओ, लॉजिक से सोच के बताओ कि घड़ी अपनी फास्ट हुई या स्लो हुई। एक चीज से ही आंसर गलत आ जाएगा तुम्हारा, फार्मूला याद होते हुए तुम्हारा आंसर गलत करके आओगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों होगा कि फास्ट हुई या स्लो हुई, बताओ। कभी कभी तो आंसर में दे देगा सर स्लो हुई है। दो लोग स्लो की तरफ है, बाकी कितने, चार लोग फास्ट की तरफ है, ये बताओ। रिजवान ने बोला स्लो है, और जो नया लड़का आया था अंकित, उसने तो वो तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। कितने लोग स्लो हैं? रिजवान स्लो है, अरुण स्लो है, और कशिश स्लो है, बाकी दोनों अभी स्लो के सपोर्ट में है, मतलब स्लो के सपोर्ट में है। अभिषेक भी स्लो। अच्छा मतलब सारे लोग स्लो। हाँ बिल्कुल स्लो होगा भाई, क्यों होगा? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ने का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है रूट एल के। लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब घड़ी स्लो हो गई। लॉजिकल बात है ना? यस सर।
यस सर, सिंपल सिंपल लॉजिकल रहते हैं। अब मैं जल्दी से इस चैप्टर का समापन करता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्रैश कोर्स में यार वैसे भी टाइम कम मिलता है। अभी हमने क्या पढ़ा, अल्फा, अल्फा बराबर तुमने पढ़ा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा पढ़ा ना, ये अल्फा क्या था, लीनियर टोटल एरिया डेल्टा ए इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं बोलूं इसके लिए जो हम लोगों ने टर्म डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया गया है, कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू मैं लिखवा देता हूँ, जैसे उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा जो होगा चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू जितना टेम्परेचर बढ़ाया। अगर वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसको कहेंगे गामा, गामा होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू जितना टेम्परेचर चेंज करा, ये तीनों फार्मूले हो गए। अब थोड़ा सा एक चीज और हम देखते हैं, अब हम यहाँ से इनको हमने देखा L बराबर क्या आया, L नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, किसी को शक, तो एरिया बराबर भी इसी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, एरिया बराबर भी A नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी है ना, वॉल्यूम बराबर भी आ जाएगा V नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी, तीनों फार्मूले एक ही साथ तीनों रट लो, एक क्या एक याद कर लिए बाकी याद हो गया। अब वॉल्यूम का अपोजिट होता है, वॉल्यूम का अपोजिट होता है डेंसिटी, देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर पढ़ाने पर, इसको रो कर लो, रो मास तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कांस्टेंट रहेगा, आपने क्या करा, आपने डेंसिटी, अगर आपने डेंसिटी बढ़ाई तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाई तो डेंसिटी घटेगा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटेगा, तो डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी रो नॉट वन माइनस गामा डेल्टा टी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, ये चार फार्मूला है जिसमें हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा याद वाला बता दीजिए सर। वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, ये बात इस बात से सहमत है आप, सहमत नहीं है आप बताइए सर। वन माइनस ये क्या है सर, आर डेल्टा टी कैसे है, गामा, गामा इसी फार्मूले में मैंने क्या किया, गामा वन माइनस गामा डेल्टा टी कर दिया, बस मैं डिराइव करके दिखा सकता हूँ आपको, ऐसा नहीं है सर। ये वी वाला, वी वाला बताना सर, ये वी वाला क्या है, वी नॉट वन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम वन प्लस, देखिए फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एरिया क्या है, एरिया फाइनल एरिया बराबर इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, डेंसिटी फाइनल डेंसिटी बराबर इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यही चार फार्मूला यूज होगा ज्यादा इस पूरे फार इसमें पूरे में, डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। और पांचवा फार्मूला हमने क्या देखा, डेल्टा टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी, ये भी एक फार्मूला हमने देखा। अभी पांच फार्मूला याद है, थर्मल के लगभग सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, समझ में आया। हेलो सर, पिछला स्लाइड दिखाना सर इसे, गामा अल्फा बीटा गामा हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, बस कितने हो गया, थोड़ा जल्दी कर दिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे खत्म करेंगे, हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे आराम से, टेंशन नहीं है। अब कल पूरा हम क्वेश्चन लगाएंगे थर्मल एक्सपेंशन का, और एक एक टॉपिक है एनालॉमस भी है, एनालॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट, एक मिनट स्लाइड ग्राफ कर दो बस एक मिनट के लिए, इसका ग्राफ आता है, तो ये हल्के में हमने खत्म करा, पर ये चैप्टर जितने क्वेश्चन बनते हैं ना लगभग सारे कर लोगे आप लोग इस चैप्टर से, ठीक है। ओके सर, यस सर, लगभग सारे चैप्टर हो जाएंगे, जो नहीं होंगे हम लोग करेंगे, एमयू बहुत इतना नहीं बहुत ज्यादा हार्ड पूछेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं सर, थोड़ा टफ होता है सर। अच्छा टफ होता है, एक क्वेश्चन एएमयू का देता हूँ, देखते हैं कितने लोग करते हैं।
एक क्वेश्चन है एमयू का, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट मतलब गामा, 49 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स है। अब आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन रो। अब फ्रैक्शनल चेंज इन रो क्या होगा पहले बताओ, डेल्टा रो अपॉन इनिशियल रो, यही तो फ्रैक्शनल चेंज है, यही आपको कैलकुलेट करना है। अगर टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर को डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो, ये एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे तो नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट है, मैंने सिर्फ इतना बताया ना, अब आपको पक्का पक्का कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं देखता हूँ, चलो सर ये माइनस कर लेते हैं, माइनस 5 है, 4.9 हाँ माइनस 5 है, इन सब की वैल्यू बहुत कम होती है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बहुत कम होती है। बुशरा कहाँ चली गई थी तुम? सर क्लास में ही थी। सर एल नॉट क्या है? क्या सर ये अल्फा नॉट है या ये क्या है? कहाँ पे अल्फा? अरे रो है, रो डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। सर ये कितना दिया हुआ सर? यही पूछ रहा है भैया कि बताइए क्या होगा, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू बीटेक में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक अच्छा लड़का एक मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकता है, और ऐसा नहीं कि आता नहीं है, इस टाइप के अभी एक और क्वेश्चन दूंगा एमयू का ही, तुम कहोगे सर हमको आ गया, हम सीख गया। कर दो भाई कर दो यार सर, 147 इनटू 10 की पावर माइनस 4 147 आंसर नहीं आ रहा इतना, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, ध्यान से देखो। अब आंसर में चेक करते हैं, सर 1.5 इनटू 10 की पावर माइनस 2 अब ठीक है सर, 147 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 147 किसका किसका 1.5 वाले का आ रहा है, जिसका 1.5 था उसका आ रहा है। हाँ सर मैंने दोबारा बोला था सर अपना 1 हाँ उसका 1.5 अरुण का आंसर सही है। अरे सर एक मिनट मेरा भी सर 1.5 होगा, 1.47 होगा, 1.5 1.47 वो भी लगभग अप्रोक्स में ही है, लेकिन ना 1.5 आंसर है, ऑप्शन में 1.47 नहीं दिया हुआ है सर, मेरा आंसर है 1.47 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 आंसर इतना आ रहा है। कैसे करा आपने को फार्मूला याद है? हाँ ये वाला ही फार्मूला लगाया सर मैंने भी। तुमने ये वाला फार्मूला लगाया, कैसे लगाया सर? इसमें सर वो वैल्यू दे रहा कि ये गामा की 49 इनटू 10 टू द पावर 5 और फिर सर टेम्परेचर भी दिया हुआ है सर, उससे उसकी मल्टीप्लाई कर दी फिर 1 माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको फ्रैक्शनल चेंज निकालना है ना भाई, क्या निकालना है? फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा रो मतलब रो फाइनल माइनस रो नॉट, सर रो माइनस रो नॉट, हां ऐसा हमको चाहिए, ऐसा चाहिए हमको, फ्रैक्शनल चेंज पूछा, फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा अपॉन इनिशियल, तो इसको कर दो रो फाइनल अपॉन रो नॉट माइनस, इतना करो ना रो नॉट अपॉन रो नॉट 1 होगा। अरे नहीं कर सकते क्या? यस सर, हां या ना, बस अब यहां से इसको कर दो, यहां से क्या कर दो उसको, यहां पे कर दो, ये क्या हो जाएगा, रो अपॉन रो नॉट is equal to 1 minus alpha gamma delta। अब हमको ये चीज मिल गई,
हमको ये चीज मिल गई, हमको ये चीज चाहिए थी और माइनस वन कर दो आंसर आ जाएगा। कितने लोग को समझ में आया? यस सर, जो मैंने किया था वो गलत था सर। हाँ बिल्कुल, अरे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी निकालेंगे। क्वेश्चन में फ्रैक्शनल चेंज पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज मतलब अगर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोले तो डेल्टा बी अपन वी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोले तो डेल्टा एल अपन एल, फ्रैक्शनल चेंज अपन एरिया बोले तो डेल्टा ए अपन ए, फ्रैक्शनल चेंज इन मोल बोले ना तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है, एन ए अपन एन टोटल। भूल गए, कोई बात नहीं, अलग बात है मोल फ्रैक्शन। ये नहीं आया, अरे फ्रैक्शनल चेंज मतलब रिस्पेक्ट में चेंज इनिशियल के, बस इतना याद रख लो। नहीं यार नहीं समझ में आ रहा, इतना याद रख लो कि फ्रैक्शनल चेंज यही होता है। एक और क्वेश्चन तुम करो, मुझे करके दिखाओ, देखो तुम लोग कर पा रहे हो। वैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला में बताना भूल गया, अल्फा बीटा और गामा में भी रिलेशन होता है। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा जो होता है 1:2:3 होता है, याद रखना। अल्फा रेशियो बीटा, अल्फा बीटा गामा जो होता है 1:3:1:2:3 होता है। अब देखो एएमयू में क्या हुआ, क्वेश्चन है एएमयू का ही है। दो सेम मटेरियल के दो रॉड हैं, एक का लेंथ एल है एक का लेंथ टू है, इनको ना हीट किया गया है सेम टेम्परेचर तक। तुमको बताना है रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम मतलब वी अपन वी, फाइनल रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम बता दो यार। ये सारे एएमयू के क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं। सारे चले गए क्या? नेटवर्क ठीक है? हाँ तो ये देखो एएमयू का क्वेश्चन है, एएमयू में आया हुआ है और मैं आई होप सारे बच्चे रेशियो ऑफ आगे क्या लिख रहा है सर? दियर वॉल्यूम नहीं 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 रुक जाओ, द रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जितना इंक्रीज हुआ है बस उसका रेशियो बताना है। इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, मान लो डेल्टा वी आया होगा, डेल्टा वी ए इसकी में इंक्रीज हुआ होगा और इसमें डेल्टा वी भी इंक्रीज हुआ होगा, तो ये बताओ किसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो वाला।
पता नहीं तुम लोग का हुआ कि नहीं। एल बराबर अल्फा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी सर 2:1 और वी वी बराबर वी नॉट बी गामा डेल्टा टी हाँ डिवाइड कर दो यार सर ये क्या होगा सर गामा गामा कट गया 2:1 आ रहा है सर इसका आ रहा है 2:1 ठीक है आंसर इनका आंसर मैच कर रहा है इनका आंसर मैच कर रहा है भाई कौन सा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 थर्मल एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन 2:1 अरुण भाई आंसर बता दिए सही करेक्ट भाई कौन सा मेरा भी कौन कौन भाई बहुत अच्छे अरे कुछ नहीं है ये तो कट गया ना सेम मटेरियल है मतलब गामा सेम होगा टेम्परेचर सेम कट गया इनिशियल और फाइनल खत्म बस आज का क्लास खत्म करते हैं कितने लोग को आज का क्लास लगा कि बहुत ईजी है भाई देखो मैंने दोनों चैप्टर जो पढ़ाया ना बहुत लल्लू सवाल आते हैं इन दोनों चैप्टर से चाहे कैलोरी में थी हो या ये वाला हो और क्वेश्चन हम इसका करेंगे नो डाउट ठीक है और साथ ही साथ नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे कौन सा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल वाला थोड़ा हम लोग को देखना होगा ठीक है वैसे तो सबको आता होगा ना डिग्री को फॉरेनहाइट में बदलना केल्विन को बदलना सेल्सियस में ये तो तुम लोग को आता होगा ठीक है 9th में ही पढ़ोगे तो आपने को अब मेन चीज जो पढ़ना है वो क्या है केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पढ़ाई सही लग रही है यस सर मस्त सर एकदम बढ़िया लग रही है ओके थैंक यू रिजवान भाई आपका क्या सीन है ठीक है यस सर ठीक है सर ओके सर मैं तो केमिस्ट्री क्लास तो होती नहीं है सर अरे मैथ्स तो अभी तुम यूट्यूब से ही देखो मैथ्स का क्लास अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा ना तो करूंगा और रही बात केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ और जो केमिस्ट्री वाले टीचर है ना केमिस्ट्री वाले वो तुम्हारे आने वाले हैं ठीक है इसीलिए मैंने फिजिकल रोक दिया है क्योंकि वो बोले थे कि उनका फिजिकल काफी अच्छा है मतलब पूरी केमिस्ट्री काफी अच्छा है मैं सोचा मान लो जब पैसे दे रहा हूँ तो फिजिकल भी मैं ही क्या लूँ पहले मैं उनसे देखता हूँ कि वो फिजिकल कैसा पढ़ा लेते हैं ठीक है अगर मुझे लगेगा कि अच्छा फिजिकल नहीं पढ़ा रहे हैं मुझसे ज्यादा तो मैं ही पढ़ाऊंगा और अगर मुझे लगेगा कि मुझसे बेटर फिजिकल दे रहे हैं तब तो अच्छी बात है ठीक है okay. देखो अकेले मुझे सब अभी पढ़ाना पड़ रहा है मैं कुछ चाहता हूँ कि टीचर आए नमस्ते सर ठीक है और बाकी एक मैथ्स के है सोचा हूँ लेकिन अभी देखो यार पैसे की बात है ठीक है देखते हैं बाकी तुम्हारी क्लासेस होंगी यार अभी यूट्यूब पे जो डाल रहा हूँ ना उसको देखो अभिषेक एपी के चल रहे हैं और असाइनमेंट भी करो सर मेरे को तो क्लास की पता ही नहीं है सर यूट्यूब पे आपका चैनल नहीं पता सर नहीं पता भाई इंस्टाग्राम पे सॉरी टेलीग्राम पे चैनल का लिंक दो भाई को यार एपी के 3 लेक्चर हो चुके हैं देखो जल्दी से ठीक है अभिषेक ओके सर सब्सक्राइबर बढ़ा दूंगा सर आपके हां भाई बढ़वा देना और कमेंट में लिख कर देना ठीक है हां यार ग्रुप प्रूफ हो तो डाल दो यार थोड़ा और भी लोगों का भला हो जाएगा जो नहीं सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं और बाकी तो मेरा भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा ठीक है थोड़ा शेयर वेयर कर दो ओके सर तभी तो मुझे ज्यादा लोग जानेंगे ना फिर अगले बार जब हम नई कोचिंग स्टार्ट करेंगे फिर से क्रैश कोर्स तो ज्यादा लोग आएंगे पहले तुम लोग ना रिजल्ट दो मुझे रिजल्ट हाँ बताओ अगर अगली बार से कब स्टार्ट करोगे सर आप मतलब अब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा फिर एग्जाम से पहले कितने महीने पहले करा दे सर आप 3 महीने पहले करता हूँ मैं हमेशा थोड़ी ना पढ़ाता हूँ इधर हम लोग की छुट्टी रहती है इधर हम लोग की छुट्टी रहती है इतना 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 टाइम मिलता है ना हमें छुट्टी अभी चल रही है हमारी तो इसमें छुट्टी रहता है तो हम लोग दूसरों की हेल्प भी कर देते हैं और कोचिंग भी हम लोग पढ़ा लेते हैं ठीक है बाकी तो सभी लोग अपने काम में लग जाएंगे सब ऑलरेडी बीटेक वाले ही हैं कोई थर्ड ईयर का है तो कोई लास्ट ईयर का है पिछली बार जैसे मतलब कोई और था जिसके मैं साथ में काम करता था मैं उनके यहाँ पर आता था वो क्रैश कोर्स स्टार्ट करते थे अभी उनका हो गया गेट में हो गया अब वो चले गए एमटेक करने तो अभी छोटा मोटा काम नहीं करते हैं अब मैं ही काम करता हूँ अगली बार मैं गेट देके अगर चला जाता हूँ तो अच्छी बात है या फिर मेरा जॉब लग जाता है तो ठीक बात है वरना देखते हैं ठीक है तो एक चलता रहेगा यार लेकिन पैकेज कितना चला जाता है लगभग कौन से ब्रांच अगर सीएससी करते तो सीएससी का सीएससी 7-8 लाख चला जाता है यार
आराम से मिनिमम, मतलब मिनिमम कह रहा हूँ एवरेज, मिनिमम तो 2 लाख 3 लाख भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 7-8 लाख एवरेज चला जाता है, कई लोगों का जाता है। हाँ 6 लाख मान के चलो, 6 लाख एवरेज है ईएमयू का। अरे ईएमयू का तो बहुत खराब प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट ना। हाँ बिल्कुल, सिविल वगैरह वाले तो उनको तो जॉब भी नहीं मिलती है। सीएस का ठीक है, सीएस का लेकिन ठीक है भाई, सीएस और ईसीएमयू में अच्छा चलता है। इलेक्ट्रिकल भी ठीक है, मैकेनिकल का भी हो जाता है, लेकिन मैकेनिकल वाले बच्चे गेट पे ज्यादा फोकस करते हैं, गेट और इलेक्ट्रिकल पे। तो ठीक है फिर मिलते हैं कल, ओके? कोई इशू तो नहीं है ना किसी को? क्लास अच्छी लग रही है ना? ठीक है, हम कल की डीजे पढ़ते हैं। ओके नमस्ते, नमस्ते सर, बाय गाइस, ओके गुड नाइट, टेक केयर। और ना जो असाइनमेंट भेजेगा उसी को फिर मैं सुबह क्लास में बुलाऊंगा, तो ध्यान रखना जनरल। अरे भाई आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का असाइनमेंट भेज देना। हाँ मैं असाइनमेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन। हाँ डाउट सेशन का रखोगे सर संडे को? अरे कल सुबह सुबह क्लास ले तो रहा हूँ। ठीक है सर, तुम नोट्स जाके चेक करो, उसमें होमवर्क दे, असाइनमेंट नहीं होमवर्क। होमवर्क में 8 क्वेश्चन है केवीएल और केसीएल। ठीक है सर, अभी यूट्यूब के दोनों वीडियो देखूंगा, करंट वाले और आपने जो आज कराया वो वाला भी, और असाइनमेंट यूट्यूब में अपलोड कर देता हूं, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं। ओके हां सर, उसी पे कर दो वो वाला। ओके सर, हां करता हूं। ओके।